हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। फटाफट से आ जाए अपना आज का क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे, और मेरे जितने भी साथी हैं जो नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन नर्सिंग की प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन लेके आए हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आ जाइए फटाफट। और क्लास एंजॉय करते हैं आज का जर्नी अपना। तो एक बार सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। सभी मेरे साथी कल जिन्होंने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया है, तो अब वो सेलिब्रेशन हो गया है और फटाफट से अब क्लास का सेलिब्रेशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार सभी का स्वागत है, सभी का गुड इवनिंग है, सभी को वेलकम है। अंकिता जी, रिया जी, लाकेश जी, चंदन जी, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि कल आप लोगों के लिए 15 अगस्त स्पेशल टेस्ट पेपर लाइव की तरफ से यूपीपीएससी के जो मेरे साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल आपका 15 मॉडल टेस्ट सीरीज जो है वीडियो सेशन आपके लिए लाया गया है, जिसका अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए पहले ही कर चुका हूं। और उसको और मैं बता देता हूं कि यूपीपीएससी जो भी मेरे साथी यूपीपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड में जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, उनके लिए मॉडल टेस्ट सीरीज आया है, जिसमें वीडियो विद रैशनल, मतलब क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शंस को वहां पे डिस्कस किया जाएगा, ताकि जो रैशनल आंसर का आ रहा है वो आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट रैंकिंग और एनालिसिस मिलेगा, आपको डिजाइन बाय जो टेस्ट पेपर लाइव की जो फैकल्टीज है, जो एक्सपर्ट्स है, उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया आपका पेपर मिलेगा। आपको यूपीपीएससी के पैटर्न पे रहेगा, जिसमें 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन तो आपके नर्सिंग के हैं और 50 क्वेश्चन आपके अदर हैं। टोटल 170 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। देन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, और पैनल पीडीएफ आप ऑटोमेटिकली वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा जो इसकी प्राइस है वो 500 रुपीज है। कितनी है? 500 रुपीज है। ये स्पेशल डिस्काउंट है 500। ये आपका ऑफर केवल राखी तक है, 23 अगस्त तक ही है। उसके बाद में इसका प्राइस 500 से बढ़ के 750 रुपए हो जाएगा। तो मौका है आपके पास में परचेज करने का, तो आज ही अपनी टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन पे जाए, और जो मेरे साथी यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल आपका टेस्ट सीरीज है, और आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। मैं मेरे दिल से सभी के लिए यही बोलता हूँ, हमेशा से एक ही चीज बोलता हूँ, बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है। आपके सपोर्ट के लिए, आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए टेस्ट पेपर लाइव हमेशा आपके साथ में अवेलेबल है। तो एक बार सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, और आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यूपीपीएससी का कोर्स भी अपने टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट वीडियो जीके और हिंदी क्वेश्चंस आपको है अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगा। 50 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, जिसके अंदर 5000 एमसीक्यूज हैं। पैनल ईबुक्स और पीडीएफ नोट्स आपको मिलता रहेगा। फ्री करंट अफेयर जो आपका जीके के अंदर जो आएगा, फ्री करंट अफेयर वो भी आपको अवेलेबल होगा, और आज ही परचेस करके 1 ईयर की एक्सेस आप ले सकते हो। और जो प्राइस इसका है मात्र 2500 रुपीज है। क्या? 2500 रुपीज है। तो आज ही प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर ले आप लोगों के लिए, और स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो क्लास को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे गाइस। जितने भी मेरे साथी जो नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला आज का भाई। बिकॉज अगर एक चीज अपन बात करें कि जब प्रिपरेशन अगर आपका स्ट्रांग होगा, तो आने वाला एग्जाम आपको क्लियर करके ही रहेगा भाई। प्रिपरेशन अपने आप को इतनी करनी है, ताकि अपना जो डिजायर्ड है, अपना जो गोल है, जो टारगेट है, वो एक दिन आपको जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द चाइल्ड इज ऑन ओरल प्रिपरेशन। एक चाइल्ड आपका ओरल प्रिपरेशन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट फॉर दिस चाइल्ड। उस चाइल्ड के लिए इंपॉर्टेंट
आप क्या जो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है वो क्या करोगे अगर कोई पेशेंट आपका ओरल प्रिपरेशन पे है। भाई ओरल प्रिपरेशन पे है, इंपॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट आप चाइल्ड के लिए क्या करोगे। ऑप्शन ए लूज स्टूल, बिल्कुल सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग मेरे सभी साथी। फर्स्ट, लूज स्टूल्स आर कॉमन विद आयरन प्रिपरेशन, आयरन प्रिपरेशन के साथ में स्टूल आपका कॉमन रहेगा। आयरन प्रिपरेशन नीड टू टेक 1 आवर बिफोर मील, खाने से 1 घंटे पहले लेते रहें। उसके अलावा फॉलो द चाइल्ड टू टेक डाइल्यूटेड आयरन प्रिपरेस थ्रू स्ट्रॉ, कि जो आपने आयरन जो प्रिपेयर किया उसको डाइल्यूट करके विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ आपको लेना है, या फिर आपको अवॉइड करना है सिट्रस फ्रूट को आयरन थेरेपी के साथ में। फटाफट से आंसर करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और लॉजिक है, क्वेश्चन को सोच समझ के करते रहें। क्या चीज? सोच समझ के करते रहें गाइस, बिल्कुल। फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर करें, आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल मेरे साथी जी का आंसर आ रहा है सी सी सी, विजय जी, कोमल जी, ममता जी, मोनिका जी का आंसर आ रहा है, सोनिया जी, श्वेता जी, बिल्कुल दीक्षिका जी, शिवानी जी, बिल्कुल सभी का जो आंसर आ रहा है वो आंसर आपका सी आ रहा है, वेरी गुड। अब दो चीजें ध्यान रखना डियर, अगर किसी पेशेंट को आपने आयरन थेरेपी दिया है तो उसमें लूज डायरिया नहीं होता है बल्कि उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है। क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका लूज स्टूल कॉमन, लूज स्टूल कॉमन नहीं होता है, उसमें डायरिया की कंडीशन ना कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है। दूसरी चीज याद रखना कि आयरन को हमेशा बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए अपन क्या करते हैं, सिट्रस फ्रूट के साथ में देते हैं। सिट्रस जो फ्रूट होते हैं उसके साथ में आप क्या करोगे, आयरन को दोगे फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन। क्या चीज? बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए आप क्या करोगे, उसको पेशेंट को आप सिट्रस फ्रूट के साथ में दोगे। तीसरी चीज, आप एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा आयरन प्रिपरेशन को डाइल्यूट करके देना है। अगर डाइल्यूट करके नहीं दोगे तो क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए आप डाइल्यूट यूज करोगे। तीसरी चीज एक ध्यान रखना कि अगर आप आयरन को स्ट्रॉ से नहीं देते हो तो ये टूथ डिस्कलरेशन करता है। क्या चीज? स्टेनिंग ऑफ टूथ करता है। तो स्टेनिंग ऑफ टूथ को रोकने के लिए आप क्या करोगे, स्ट्रॉ को यूज करोगे। क्या यूज करोगे? स्ट्रॉ को यूज करोगे। तो चारों चीजें आपके सामने हैं कि एक ही क्वेश्चन से अगर आपसे पूछ ले कि आयरन देना है तो किसके साथ दोगे, हमेशा सिट्रस फ्रूट के साथ में दोगे। आयरन आपने पेशेंट को दिया है उसका सबसे साइड इफेक्ट क्या होगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। तीसरी चीज, अगर आपने स्ट्रॉ यूज नहीं किया है तो टूथ डिस्कलरेशन हो सकता है, उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, पेशेंट को स्ट्रॉ के साथ में आयरन प्रिपरेशन दोगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आपका लॉजिकल क्वेश्चन था और जो आंसर आपका निकला है कि आयरन को हमेशा डाइल्यूट करके और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रो आपको बच्चे को देना पड़ेगा ताकि उसका बेटर अब्जॉर्प्शन हो, प्रेसिपिटेशन ना हो और जो टूथ का डिस्कलरेशन आपका हो रहा है, स्टेनिंग ऑफ टूथ जो हो रहा है उसको अपन रोक सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आंसर सी आपका राइट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ गेम फॉर चाइल्ड विद हीमोफीलिया। आपके पास में हीमोफीलिया का पेशेंट है उसको सबसे सेफेस्ट आप गेम कौन सा प्रोवाइड करोगे। ए आपका स्नूकर, बास्केटबॉल, स्विमिंग या फिर फील्ड हॉकी। फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें, बिल्कुल मेरे साथी बिल्कुल फटाफट आंसर करें। गुड इवनिंग सभी को, क्लास को लाइक और शेयर करें, फटाफट आ जाइए, 4 बज चुके हैं और जो मेरे साथी यहाँ पे बने हुए हैं वो अपनी अटेंडेंस भी शो करते जाए। बिल्कुल शिवानी जी, आपका मनोज जी, निशा जी, बिल्कुल पूजा जी का आंसर आ रहा है, किरण जी का आंसर आ रहा है, रंजना जी, पारुल जी का आंसर आ रहा है, स्नेहा जी, नरेश जी, कविता जी, विजय जी, जितेंद्र जी, कृष्ण जी का आंसर आ रहा है, मनोज जी, महेंद्र जी का भी आंसर आ रहा है कि सर स्विमिंग करेंगे। भाई हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया का मतलब क्या है आपका, कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। क्या होगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है।
अब अगर एक चीज ध्यान रखना कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसका मतलब अगर हल्की सी इंजरी अगर हो गई तो उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है, इसीलिए हीमोफीलिया आपका हो रहा है। अब तीसरी चीज ध्यान रखना कि बास्केटबॉल, हॉकी या स्नूकर से अगर खेल रहा है, इसका मतलब उसको इंजरी होने के चांसेस है। बट स्विमिंग के अंदर क्या है आपका, जो स्विमिंग के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आपको एक तो पेशेंट को क्या बोलना है, स्विमिंग करें, उसके अलावा आपको क्या एडवाइस करना है, एडवाइस फॉर आरओएम, आरओएम के लिए भी आपको क्या करना है, हीमोफीलिया के पेशेंट को आपको एडवाइस करना है। और इसके अंदर आपका क्या आएगा, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आपको पेशेंट को करवानी है। तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखना कि स्विमिंग भी करवाएंगे, उसके साथ में अपन पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि भैया आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी रेगुलर करते रहना है। तो आंसर आपका क्या जाएगा, स्विमिंग सी आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर जाएगा। ओके, बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, बिल्कुल आ जाइए फटाफट से क्लास आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग आईवी फिनाइटोइन द नर्स शुड, कि अगर मैंने किसी पेशेंट को आईवी फिनाइटोइन अगर दिया है तो आप क्या करोगे, एडमिनिस्टर इट एट ए रेट 100 mg/min, 100 mg rate पे आप उसको दोगे, प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम लाइट एक्सपोजर, ड्रग को आप लाइट एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करोगे, मिक्स द ड्रग इन डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन में आप ड्रग को मिक्स करोगे, और ऑप्शन डी, मिक्स द ड्रग इन सलाइन सॉल्यूशन, आप ड्रग को सलाइन सॉल्यूशन में मिक्स करोगे। फटाफट आंसर करें भाई, फिनाइटोइन का ड्रग है, क्या है, फिनाइटोइन का ड्रग है। और फिनाइटोइन अगर मैं बात करूं, ये मैं पेशेंट को सीजर की कंडीशन को रोकने के लिए देता हूं, ये फिनाइटोइन आपका सोडियम और कैल्शियम के जो चैनल्स हैं उन कैल्शियम और सोडियम के चैनल को ब्लॉक करता है। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि फिनाइटोइन को हमेशा स्लोली आप देते हो, रैपिड अगर आप आईवी इन्फ्यूजन करते हो तो पेशेंट को एसिस्टॉल होने के चांसेस हैं। क्या चीज, अगर फास्ट इन्फ्यूजन करोगे तो फास्ट इन्फ्यूजन से पेशेंट को क्या हो सकता है, एसिस्टॉल हो सकता है। एसिस्टॉल होने का कारण क्यों है, क्योंकि ये कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देता है। अब अगर कैल्शियम का चैनल ही ब्लॉक हो गया तो पेशेंट के अंदर एसिस्टॉल की कंडीशन बन जाएगी। दूसरी चीज ध्यान रखना कि हमेशा फिनाइटोइन को अपन क्या करते हैं, डाइल्यूट करके देते हैं सलाइन के साथ में, क्योंकि अगर आपने फिनाइटोइन को डाइल्यूट करके नहीं दिया तो एक तो ये क्या करेगा, सीवियर पेन की कंडीशन करेगा, दूसरा ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सकता है, तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने से क्या हो सकता है, वहां पे ब्लॉकेज की कंडीशन को भी लीड कर सकता है। तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखना कि एक तो आपको पेशेंट को हमेशा फिनाइटोइन स्लो आईवी इन्फ्यूजन देना है, दूसरी चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि अगर आपने पेशेंट को जब ड्रग दिया है तो ड्रग को हमेशा सलाइन सॉल्यूशन में आपको मिक्स करके यूज करना है। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। और फिनाइटोइन देते कब है भाई, फिनाइटोइन देते कब है, सीजर के पेशेंट में देते हैं। फिनाइटोइन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये सोडियम और कैल्शियम दोनों को क्या कर सकता है, आपका ब्लॉक करता है। तो इसीलिए इसको जनरल आपका टॉनिक क्लोनिक सीजर के अंदर अपन यूज करते हैं। तो आंसर आपका क्या आएगा, डी आंसर आपका राइट आएगा। बिल्कुल रेनू जी, अमीशा जी, आपका रेनू जी, साधना जी, बिल्कुल सभी का आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका डी आंसर आपका आ रहा है। तो दैट इज द राइट आंसर आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिडुअल वॉल्यूम इज बेस्ट मेजर्ड बाय, भाई रेजिडुअल वॉल्यूम को आप किस से मेजर्ड करते हो, ऑप्शन ए बॉडी आपका प्लीथिस्मोग्राफी से, आपका हीलियम डाइल्यूशन मेथड से, स्पायरोमीट्री से, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है रेजिडुअल वॉल्यूम। भाई रेजिडुअल वॉल्यूम पहले तो क्या होता है कि आफ्टर सारी जो मैंने रेस्पिरेशन किया है, उस रेस्पिरेशन के बाद में मेरे लंग्स के अंदर जो रिजर्व में मेरी जो वॉल्यूम बची हुई है, एयर का जो वॉल्यूम बचा हुआ है वो रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। और रेजिडुअल वॉल्यूम को अपन मेजर किससे करते हैं, बॉडी प्लीज थिस्मोग्राफी से, आपका हीलियम डिल्यूजन डाइलेशन मेथड से, स्पायरोमीट्री से, या ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है सी डी, सी डी। जो मेरे दोस्त सी और डी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत है, जो मेरे साथी डी और सी आंसर। बिल्कुल मनीषा जी ने पहला आंसर दिया है, ए ऑप्शन राइट आएगा आपका।
यहां क्या आएगा कि भाई जो बॉडी प्लीज आपका प्लिसिपोग्राफी जो होता है उससे आप क्या करते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम को निकालते हो, मतलब आफ्टर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद में जो रिमेनिंग एयर आपके लंग्स के अंदर बच जाती है वो वॉल्यूम आपका क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये 1200 ml हमेशा आपके लंग्स के अंदर बना रहता है। स्पायरोमेट्री से आप रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं निकाल पाते हो, इसीलिए अपन स्पायरोमेट्री आंसर नहीं आएगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। तो ध्यान रहे, अगर आपको केवल रेजिडुअल वॉल्यूम को बेस्ट मेजर्ड अगर आपको करना है तो आप क्या यूज करोगे, प्लीथिस्मोग्राफी को यूज करोगे, और वो रेजिडुअल वॉल्यूम आपकी हमेशा क्या रहेगी, लंग्स के अंदर बनी रहेगी। तो आंसर आपका क्या जाएगा, ए आंसर आपका राइट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियो आयोडीन थेरेपी फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस, कि अगर किसी पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस अगर है, थायरोटॉक्सिकोसिस अगर है तो उस पेशेंट को मैंने रेडियो आयोडीन थेरेपी दिया है, उस पेशेंट को मैंने रेडियो आयोडीन थेरेपी दिया है, तो अब ये बताओ रेडियो आयोडीन थेरेपी देने से उस पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपका क्या होगा। ऑप्शन ए हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, ऑप्शन बी आपका हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होगा, ऑप्शन सी लेट डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी होगा, या रिकरेंस होगा। भाई एक चीज आपके सामने है, एक चीज आपके सामने है कि अगर थायरोटॉक्सिकोसिस है, क्या है थायरोटॉक्सिकोसिस, तो थायरोटॉक्सिकोसिस को अपन क्या बोल सकते हैं, भाई थायरोटॉक्सिकोसिस को अपन क्या बोल सकते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से अपन जानते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे क्या होगा, जो थायरॉयड हार्मोन है, क्या चीज, एक्सेस ऑफ थायरॉयड हार्मोन, थायरॉयड हार्मोन का क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस होगी। अब मैंने पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए मैंने क्या दे दिया, पेशेंट को मोस्ट कॉमनली अपन आयोडीन 131 देते हैं, क्या चीज, रेडियो आयोडीन 131 देते हैं। तो ये रेडियो आयोडीन 131 क्या करेगा कि सीधा सा जो थायरॉयड हार्मोन आपका एक्सेस हो रहा था उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। अब ये अगर थायरॉयड हार्मोन को सप्रेस करेगा तो इसका सीधा सा आंसर आपका क्या निकलेगा, बिल्कुल मनोज जी का आंसर आ रहा है, रिंकी जी, रीता जी का आंसर आ रहा है, मोहम्मद नदीम जी का आ रहा है, पूजा जी का, माधुरी जी का, सुशीला जी का आंसर आ रहा है, सिद्दीकी, सोफिया जी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल राजकुमार जी का भी आंसर आ रहा है कि पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। भाई हाइपोथायरॉयडिज्म होने का कारण क्या है कि मैंने आयोडीन 131 दिया और इस आयोडीन 131 के कारण जो एक्सेस आपका थायराइड हार्मोन जो हो रहा था, प्रोडक्शन जो हो रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर थायराइड का हार्मोन अगर आपका कम हो जाएगा तो उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए आपका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फूड एक्सचेंज लिस्ट विल हेल्प द डायबिटीज पेशेंट, कि फूड एक्सचेंज लिस्ट डायबिटीज पेशेंट को कैसे हेल्प करती है, अवॉइड सर्टेन फूड आइटम्स, प्लान मेन्यू के लिए, सेलेक्ट फूड आइटम्स एंड अमाउंट ऑफ फूड फॉर ए डे, या सेलेक्ट फूड आइटम इफ शुगर लेवल इज लो। फटाफट आंसर करें। फूड एक्सचेंज लिस्ट किसके लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए। नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल सोच समझ के आंसर करें। फूड एक्सचेंज लिस्ट, बिल्कुल संगीता जी का आंसर आ रहा है ए, साधना जी का ऑप्शन आ रहा है बी, बिल्कुल सोच समझिए क्या, आकांत जी का ऑप्शन आ रहा है सी, बिल्कुल अजीत जी ए आंसर दे रहे हैं, श्वेता जी डी, संगीता जी का सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल प्रमोद जी, कुसुम जी, योगी जी, दीपक जी का ऑप्शन आ रहा है डी, करण जी, नेहा जी का ऑप्शन आ रहा है, विपुल जी का ऑप्शन आ रहा है, सोना वीर जी का आंसर आ रहा है भारू, भरत फौजदार जी का आंसर आ रहा है, और मनोज झा जी, बिल्कुल आपका ऑप्शन भी आ गया है, बिल्कुल फटाफट आंसर करें क्या आंसर है। एक क्वेश्चन लॉजिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाँ बिल्कुल फटाफट आंसर करें, सी सी सी, बिल्कुल। भाई फूड एक्सचेंज लिस्ट के अंदर क्या होता है कि मैं यहाँ पे फूड का क्या कर रहा हूँ, रिप्लेसमेंट करता हूँ, फूड का क्या कर रहा हूँ, रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हमेशा क्या रहता है, फूड एक्सचेंज डायबिटीज पेशेंट के लिए अपन हमेशा क्या करते हैं, फूड एक्सचेंज करते हैं, मतलब सेम कैलोरी, सेम प्रोटीन, सेम कार्बोहाइड्रेट, क्या चीज,
सेम कार्बोहाइड्रेट, सेम कैलोरी और सेम डाइट, वो डायबिटीज पेशेंट के लिए अपन क्या करते हैं, फूड एक्सचेंज लिस्ट कर रहे हैं। भाई जो क्लाइंट को पर डे क्लाइंट का मेन्यू बन रहा है, पर डे के अंदर अपन क्या करते थे, उसका डाइट मेन्यू चेंज कर रहे हैं। मतलब वही फूड अपन पेशेंट को दे रहे हैं जो फूड आपके पेशेंट के लिए क्या हो, कार्बोहाइड्रेट भी आपका वेल हो, उसमें कैलोरी और डाइट वो सारा उस डाइट के अकॉर्डिंग ही आपका उसके अंदर अवेलेबल हो, वो उसको अपन क्या बोलते हैं, फूड एक्सचेंज लिस्ट बोलते हैं। और ये फूड एक्सचेंज लिस्ट अपन कहां यूज करते हैं, वो अपन डायबिटीज पेशेंट के अंदर यूज करते हैं। किसमें, डायबिटीज पेशेंट के अंदर अपन इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। क्या जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो पढ़ते रहे बढ़ते रहे। बाकी टेस्ट पेपर लाइव आपके साथ में हमेशा अवेलेबल है। ठीक, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। A common blood test is that is used in a urologic workup is the blood urea nitrogen. के common test अगर मैं बात करूं, blood test जो कि urologic workup blood urea nitrogen के लिए किया जाता है, जिसमें normal level of this test जो normal value है आपका BUN का वो क्या रहेगा। Option A 10 to 20 mg per 100 ml of whole blood, 25 to 40 mg पर 100 ml ऑफ होल ब्लड, या 50 टू 80 mg पर 100 ml ऑफ होल ब्लड, या ऑप्शन डी आपका 70 टू 120 mg पर 100 ml ऑफ होल ब्लड। फटाफट आंसर करें। BUN अगर यूरोलॉजिक वर्कअप है आपका, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर है, तो नॉर्मल वैल्यू उस टेस्ट का क्या कहलाएगा। फटाफट आंसर करें, आपका आंसर करें, बिल्कुल साथी जी आंसर करते जाए भाई। नॉर्मल वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा, रेखा जी का ऑप्शन आ रहा है, अमित जी का, विकास जी का आ रहा है, बिल्कुल श्वेता जी, पारुल जी, पूजा जी का ऑप्शन आ रहा है, शिवानी जी का ऑप्शन आ रहा है। जो मेरे साथी बी आंसर दे रहे हैं वो एक बार क्वेश्चन को पढ़ें फिर आंसर करें। बिल्कुल शैला जी, शुक्ला जी कह रहे हैं सर ए को लॉक कर दो, बिल्कुल ए को लॉक कर देते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट जाएगा। भाई नॉर्मल अगर अपन बात करें तो क्या है आपका, 8 से 25 mg पर आपका क्या रहता है, 8 टू 25 mg पर dl आपका क्या रहता है, ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रहता है। अब यहां नॉर्मल रेंज अगर आपसे पूछी गई है तो नॉर्मल रेंज आपका क्या है भाई, 10 से 20 mg में है। क्या है, 10 से 20 mg में है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यहां पे अपन क्रिएटिनिन और जो आपका यूरिक एसिड है उन दोनों का लेवल अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब अगर ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वेस्ट बढ़ेगा, और ये वेस्ट जब आपका बढ़ेगा, क्या चीज, एजोटीमिया की कंडीशन। क्या अगर बढ़ता है तो एजोटीमिया, और एजोटीमिया से अगर अपन बात करें तो ये क्या कर सकता है, फेलियर की, रिनल फेलियर की कंडीशन को लीड कर सकता है। क्योंकि जब वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में बन रहा है, वो वेस्ट प्रोडक्ट अगर आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो वो फेलियर एजोटीमिया आपका ब्लड में बढ़ता जाएगा। तो नॉर्मल वैल्यू अगर अपन बात करें तो कितना होता आपका, 10 टू 20 mg, ये तो नॉर्मल इसके अकॉर्डिंग है। बट अगर अपन बात करें 8 टू 25 mg पर dl आपका रहता है। यही यूरिक एसिड अगर अपन बात करें, क्या चीज, यूरिक एसिड अगर अपन बात करें तो यूरिक एसिड आपका कितना, 2 से लेके आपका 8.5 mg पर dl तक आपका रहता है। और क्रिएटिनिन अगर अपन बात करें तो आपका 0.5 से लेके 1.5 mg पर dl आपका क्या रहता है, क्रिएटिन रहता है। तो ये दोनों लेवल आपको वहां पे क्या करना है, चेक करना है। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 8 से 25 mg नॉर्मल होता है, और यहां क्या है आपका, क्या 10 टू 20 mg है। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, When caring for a patient admitted with Guillain-Barré syndrome, which nursing diagnosis should be priority? कि अगर आपके पास में Guillain-Barré syndrome का patient है, क्या है, Guillain-Barré syndrome का patient अगर है तो उसके अंदर आप priority diagnosis क्या करोगे, anxiety, imbalanced nutrition, impaired gas exchange या impaired mobility। फटाफट answer करें। Guillain-Barré का अगर patient अगर है, क्या चीज, गुलियन-बेयर का पेशेंट अगर है, क्या चीज, गुलियन-बेयर का पेशेंट अगर आपके पास में है तो प्रायोरिटी डायग्नोसिस आप क्या करोगे। फटाफट आंसर करें। आपका मनीषा जी का ऑप्शन आ रहा है, बी अनिल जी, बिल्कुल फटाफट आंसर करते जाए। विजेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, ग्लोरी जी, निकिता जी, बिल्कुल अमनदीप जी, कौर का आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल
और फटाफट आंसर करें, बनालाल जी का भी ऑप्शन आ रहा है, पूजा जी जी मनीषा जी का ऑप्शन आ रहा है, भाई फटाफट आंसर करते जाए कि उस पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे आपको इम्पेयर्ड मोबिलिटी होगा, क्या होगा, इम्पेयर्ड मोबिलिटी। और इम्पेयर्ड मोबिलिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मोटर जो आपके सिस्टम है, क्या चीज, पेरिफेरली की अगर मैं बात करूं तो मोटर फंक्शन को क्या कर रहा है आपका, मोटर फंक्शन को क्या कर रहा है, लॉस हो रहे हैं। कि अगर मोटर फंक्शन अगर आपका लॉस होगा तो उस पेशेंट के अंदर जो मोबिलिटी है वो मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, आपका इम्पेयर्ड हो गई। भाई गुलियन बेयर सिंड्रोम क्या करता है, आपका जो मोटर फंक्शंस आपके होते हैं उन मोटर फंक्शंस को क्या कर देता है, लॉस करता है। तो मोटर फंक्शन लॉस होने के कारण उन पेशेंट्स के अंदर क्या होगा, इम्पेयर्ड मोबिलिटी होगी। भाई सपोज अभी अगर मैं बात करूं किस तरीके से अगर आपको देखने को मिले, तो अपन अगर बात करें कि पेशेंट के अंदर जब मोटार की अगर मैं बात करूं, ये आपके सामने है भाई गुलियन, क्या चीज है, ये गुलियन बेयर सिंड्रोम का पेशेंट है। और गुलियन बेयर सिंड्रोम के अंदर क्या चीज, गुलियन बेयर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा आपका, ये जो पेशेंट के जो मोटार जो रेस्पॉन्स है, क्या चीज, मोटार जो फंक्शन है, ये मोटार फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अब अगर कोई इंडिविजुअल कोई मोबिलिटी अगर करना चाहेगा तो वो मोबिलिटी नहीं कर पाएगा। अभी अगर मैं बोलूं मेरे हैंड को मूव आउट करना है तो वो हैंड को मूव आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोटार फंक्शंस का क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो चुका है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज द इम्पेयर्ड मोबिलिटी। और इम्पेयर्ड मोबिलिटी को आपको हमेशा प्रायोरिटी डायग्नोसिस आपको बनाना। ऑप्शन आपका क्या जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, क्लाइंट विद पार्किंसन डिजीज इज एक्सपीरियंसिंग एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग सिंस बिगनिंग ऑफ द लिवोडोपा। एक पेशेंट है जो पार्किंसन डिजीज से सफर कर रहा है, और जब मैंने उसको लिवोडोपा को अगर स्टार्ट किया तो लिवोडोपा स्टार्ट करने से पहले उस पेशेंट के अंदर एनोरेक्सिया वॉमिटिंग आपको देखने को मिल रहा है, तो इनिशियल एक्टिविटी आप वहां पे क्या करोगे। ऑप्शन ए असेस हिज फूड प्रेफरेंस, फूड प्रेफरेंस को असेस करोगे, उसके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करोगे, मेडिकेशन को होल्ड करोगे, या फिर मेडिकेशन को फूड के साथ में दोगे। फटाफट आंसर करते जाएं क्या होगा अगर पार्किंसन का पेशेंट है, क्या है भाई, पार्किंसोनिज्म का पेशेंट है, तो पार्किंसोनिज्म के पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, जो डोपामाइन का जो लेवल है वो डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है, क्या चीज, डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है। और पार्किंसन की डिजीज क्या चीज भाई, एक तो पेशेंट को ट्रेमर्स हैंड के अंदर क्या आने लगते हैं, ट्रेमर्स आने लगते हैं, पेशेंट का जो फेस है वो मास्क लाइक फेस हो जाता है, और पेशेंट को सफलिंग गेट देखने को मिलता है पार्किंसन डिजीज के अंदर। बिल्कुल जो आंसर सी कर रहे हैं, मेडिकेशन को होल्ड कर देते हैं, बिल्कुल सोना जी, बीका जी, मनीषा जी का ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, कुमारी जी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल जो मेरे साथी डी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर आपका राइट जाएगा। कि अपन लिवोडोपा हो, कार्बिडोपा हो, या ब्रोमोक्रिप्टिन हो आपका, इन तीनों को अपन क्या कर सकते हैं, इन तीनों को अपन विद द फूड देते हैं, विद द फूड, बिकॉज ऑफ एनोरेक्सिया और वॉमिटिंग। भाई नोजिया वॉमिटिंग को कंडीशन को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, खाने के साथ में उसको लिवोडोपा या कार्बिडोपा अपन दे सकते हैं। हमेशा एक दिन ध्यान रखना कि अगर पेशेंट को आप लिवोडोपा दे रहे हो तो उसके साथ में आपको कार्बिडोपा भी देना पड़ेगा। कारण अगर मैं बता दूं, लिवोडोपा को अगर आप सिंगली अगर दे रहे हो तो लिवोडोपा अगर सपोज आपने 100 mg अगर लिवोडोपा अगर दिया है तो ये क्या करेगा, 90 mg आपका क्या हो जाएगा, आपका अनचेंज की फॉर्म में क्या हो जाएगा, मेटाबोलिज्म हो जाएगा। और मेटाबोलिज्म अगर हो जाएगा तो बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपने किसी पेशेंट को लिवोडोपा सिंगल अगर दिया है तो आपकी बॉडी में इफेक्टिव नहीं होगा, इसीलिए अपन क्या करते हैं, लिवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा क्या काम करता है कि सीधा सा जो मेटाबॉलिज्म आपका हो रहा है उस मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। तो अगर अब लिवोडोपा जो आपने दिया उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये लिवोडोपा और कार्बिडोपा ने कुछ भी नहीं किया है, बस कार्बिडोपा ने क्या किया कि जो लिवोडोपा का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था उस मेटाबॉलिज्म को रोक दिया। तो लिवोडोपा का मेटाबॉलिज्म जैसे ही आपका रुका तो क्या होगा, ये लिवोडोपा और कार्बिडोपा दोनों काम करेंगे, और जो पार्किंसन डिजीज के अंदर जो डोपामाइन का लेवल आपका कम हुआ है
उसको क्या करेंगे, आपका इंप्रूव करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, पेशेंट को हमेशा लिवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा देते हैं, और अगर पेशेंट को लिवोडोपा, कार्बिडोपा या ब्रोमोक्रिप्टिन तीनों ड्रग अगर आप दे रहे हो और पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग अगर होता है, तो आपको नर्सिंग इंटरवेंशन के तौर पे क्या करना है कि पेशेंट को आपको क्या करना है, मेडिकेशन को खाने के साथ में देना है। तो अगर आप जैसे ही पेशेंट को खाने के साथ में दोगे तो क्या हो जाएगा, जो नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन हो रही थी वो नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, वहां पे सप्रेस हो जाएगी। पिंकी जी बोल रहे हैं सर फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकेशन होल्ड करते हैं। डियर, प्रायोरिटी मेडिकेशन होल्ड आप कब करते हो, जब अगर आपको कोई एडवर्स इफेक्ट वहां पे देखने को मिले, साइड इफेक्ट आपका होता है, साइड इफेक्ट के अंदर ही आपको नोजिया वॉमिटिंग होता है, तो नोजिया वॉमिटिंग को रोकने के लिए ही अपन क्या करते हैं, खाने के साथ में उस पेशेंट को ड्रग को दे देते हैं। आंसर आपका क्या जाएगा, डी आंसर आपका राइट जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना डियर, कि पार्किंसन के पेशेंट के अंदर, अगर पार्किंसन का अगर पेशेंट है तो उसके अंदर सफलिंग गेट और मास्क लाइक फेस, क्या चीज, मास्क लाइक फेस आपको क्या देखने को मिलेगा पार्किंसन के पेशेंट के अंदर। जब भी पेशेंट मूव करेगा तो उसको क्या होगा, सफलिंग होगा, क्या होगा, सफलिंग होगा। तो ध्यान रखे, आपको मैं इमेज भी पुटअप कर देता हूं कि अगर आपके पास में अगर पेशेंट है पार्किंसन का, अगर पेशेंट है तो सफलिंग गेट कैसे होता है। तो सफलिंग गेट के अंदर एक चीज ध्यान रखना आपका, कि एक तो पेशेंट को ट्रेमर्स होगा और ये ट्रेमर आपके परसिस्टेंट होंगे, क्या चीज, ट्रेमर आपके परसिस्टेंट होंगे। दूसरी चीज, सफलिंग गेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब पेशेंट अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा अगर पार्किंसन डिजीज से सफर कर रहा है। चीज ध्यान रखना, पेशेंट को दो चीजें होती है, आपका मास्क लाइक फेस भी होगा और एक आपका क्या होगा, सफलिंग गेट होगा। क्लासिकल के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि पेशेंट को पार्किंसन का पेशेंट है तो कौन सा गेट देखने को मिलता है, और मास्क लाइक फेस भी आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा पेशेंट को आपका लिवोडोपा हो, कार्बिडोपा हो या ब्रोमोक्रिप्टिन हो, पेशेंट को आपको क्या कर देना है, खाने के साथ में आपको ड्रग दे देना है ताकि वो नोजिया वॉमिटिंग प्रेस कर सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रेन ट्यूमर, भाई ब्रेन ट्यूमर का मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सा है। ऑप्शन ए सेरेब्रो एंजियोमा, ऑप्शन बी ग्लियोमा, ऑप्शन सी मेनिंजियोमा या ऑप्शन डी विल्म्स ट्यूमर। फटाफट आंसर करें, बिल्कुल फटाफट आंसर करें, क्या आएगा आपका, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रेन ट्यूमर कौन सा कहलाता है, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कौन सा कहलाता है। बिल्कुल शिवानी जी का ऑप्शन आ रहा है, शहजाद अहमद जी का ऑप्शन आ रहा है, पूजा जी, कविता जी, बिल्कुल सभी का ऑप्शन आ रहा है बी। भाई एक चीज सोचना, डी तो होगा ही नहीं, डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, चिल्ड्रन के अंदर ट्यूमर ऑफ किडनी, क्या चीज, ट्यूमर ऑफ किडनी अगर मैं बात करूं तो वो आपका क्या होता है, विल्म्स ट्यूमर या फिर नेफ्रोब्लास्टोमा, क्या कहलाता है, नेफ्रोब्लास्टोमा कहलाएगा आपका, किडनी का ट्यूमर आपका नेस्टोब्लास्टोमा कहलाएगा। भाई कैसे कहलाएगा, सपोज अभी अगर अपन बात करें कि आपका ये, अगर अपन स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, सपोज ये अगर आपके स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, ये आपके किडनी के स्ट्रक्चर है और इस किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहां अगर ट्यूमर देखने को मिल जाए, इस ट्यूमर को आप क्या बोलोगे, दैट इज द विल्म्स ट्यूमर बोलोगे, क्या बोलोगे, विल्म्स ट्यूमर बोलोगे। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, जो मेरे साथी डी ऑप्शन दे रहे हैं वो गलत है। विल्म्स ट्यूमर का मतलब किडनी के अंदर क्या हो जाना, आपका ट्यूमर हो जाना बच्चों के अंदर। तो अब एक चीज ध्यान रखना, जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर आपका होता है, जैसा कि ऑप्शन आ रहा है बनवारी जी का ऑप्शन आ रहा है बी, आपका अमनदीप कौर जी का आ रहा है, रजनी जी का ऑप्शन आ रहा है, पारुल जी का ऑप्शन आ रहा है, लक्की जी का ऑप्शन आ रहा है, रीना जी, आराधना जी, श्वेता जी का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आपका रॉकी जी का आंसर आ रहा है। तो यहाँ आपका क्या जाएगा, ग्लियोमा, क्या जाएगा, ग्लियोमा जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर बच्चों में अगर पूछा जाए, बच्चों के अंदर अगर पूछा जाए तो एस्ट्रियोसाइटोमा, क्या चीज, एस्ट्रियोसाइटोमा आपका क्या होगा, कॉमनेस्ट होगा। अगर अडल्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो अडल्ट में क्या होगा, मेनिंजियोमा, क्या होगा, मेनिंजियोमा आपका क्या होगा, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर। कि अगर
यहां ग्लियोमा की बात करी जाए तो ग्लियोमा के अंदर आपका क्या होता है कि जो आपका ग्लियल सेल्स होती है, उन ग्लियल सेल्स का जो कि आपकी न्यूरोन को क्या करती है, एक स्ट्रक्चर आपकी प्रोवाइड कराने का काम करती है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ग्लियोमा बोलोगे। तीसरी चीज अगर आपसे पूछा जाए भाई मेनिनजोमा का मतलब क्या होगा, भाई मेनिनजोमा के अंदर आपका क्या रहता है, भाई मेनिनजोमा के अंदर अगर कोई पेशेंट है तो क्या होता है कि जो मेनिनजीज जो आपके हैं उन मेनिनजीज के अंदर अगर कोई स्मॉल अगर बिनाइन ट्यूमर अगर आपको देखने को मिले तो वो तो मेनिनजोमा कहलाता है। तीसरी चीज अगर आपसे पूछा जाए कि सेरेब्रो एंजियोमा क्या होता है, तो सेरेब्रो एंजियोमा के अंदर क्या आपका हेमी एंजियोमा की कंडीशन आती है और एक आपका लिम्फ एंजियोमा आता है, जिसके अंदर जो बच्चे हेमिनजोमा सेरेब्रो एंजियोमा के अंदर के जो सुपरफिशियली आपकी जो ब्रेन जो है स्किन जो है आपका वहां पे क्या रहता है आपको एक या तो ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई आपका ट्यूमर अगर हो रहा है या वहां पे अगर आपको कोई इंजरी हो रही है। तीसरा अगर अपन बात करें कि जो लिम्फ नोड्स हैं आपके लिम्फ जो है उसके अंदर अगर होता है तो उसको आप लिम्फ एंजियोमा बोलते हो। भाई सेरेब्रो एंजियोमा के अंदर मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं कि आपका हेमी एंजियोमा के अंदर पेशेंट को क्या चीज, हेमी एंजियोमा का अगर पेशेंट है तो इस हेमी एंजियोमा को इसको अपन क्या बोलते हैं, हेमी एंजियोमा बोलते हैं। और हेमी एंजियोमा का मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे ट्यूमर आपका सेरेब्रल जो ब्लड वेसल्स है, क्या चीज, जो सेरेब्रल जो ब्लड वेसल्स है, सेरेब्रल ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाना आपका स्मॉल ट्यूमर अगर होता है तो उसको आप क्या बोलोगे, हेमी एंजियोमा बोलोगे, एंजियोमा बोलोगे। अगर यहाँ पे लिम्फ वेसल्स का अगर लिम्फ आपका लिम्फ वेसल्स अगर होती है तो उसको आप क्या बोलोगे, लिम्फ एंजियोमा के नाम से अपन जानते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या जाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन जाएगा दैट इज द ग्लियोमा, दैट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे कॉमन ट्यूमर आपका क्या होगा, दैट इज द ग्लियोमा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज नॉन एज, भाई ऑक्सीजन की कमी हो जाना टिश्यूज के अंदर वो क्या कहलाता है, एनोक्सीमिया, एनोक्सिया, डिस्निया या एस्फेक्सिया। फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें। सबनम परवीन जी बोल रहे हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आपके अपकमिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए ये नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, तो प्रैक्टिस करते जाएं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है क्लास। और क्लास को एक बार सभी लाइक और शेयर जरूर करें गाइस, क्लास को लाइक और शेयर करें। मेरे जितने भी साथी जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर मैं बात करूं तो आपका टेस्ट पेपर लाइव, बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन आपके लिए कंटेंट डिलीवर्ड कर रहा है। तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर करें और बढ़ते रहें अपने मंजिल की तरफ। मंजिल आपको एक दिन जरूर मिलेगी अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। भाई लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज नॉन एज, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है ए बी सी डी ऑप्शन आ रहा है। भाई एक चीज ध्यान रखना, एनोक्सी क्या मतलब क्या रहता है आपका, एनोक्सिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ, क्या चीज, लैक ऑफ। अगर अपन बात करें टिश्यूज के अंदर, क्या चीज, अगर अपन बात करें एनोक्सिया, एनोक्सिया और हाइपोक्सिया, एनोक्सिया और हाइपोक्सिया का मतलब अगर अपन बात करें तो टिश्यूज है के अंदर क्या आपकी जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाए, एबसेंट हो जाए, वो कहलाएगा आपका एनोक्सिया कहलाएगा, यहाँ क्या आएगा, एनोक्सिया। भाई डिस्निया का मतलब क्या रहता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्या चीज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कहलाएगा। तीसरी चीज आपका एस्फेक्सिया क्या कहलाएगा, स्टेट ऑफ सफोकेशन, क्या चीज, स्टेट ऑफ सफोकेशन, ब्रीथिंग आपका ब्रीथ लेस अगर पेशेंट होता है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे एस्फेक्सिया। यही अगर आपसे पूछा जाए एनोक्सीमिया क्या होता है, तो भाई एनोक्सीमिया का मतलब क्या रहता है आपका, इनसफिशियंट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, क्या बोलोगे, इनसफिशियंट, क्या बोलोगे, इनसफिशियंट, इनसफिशियंट ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन इन ब्लड, ब्लड के अंदर आपका क्या हो जाना, इनसफिशियंट ऑक्सीजनेशन हो जाना, वो क्या कहलाएगा आपका, एनोक्सीमिया कहलाएगा। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि अगर पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया की अगर आपसे पूछ लिया जाए, हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होगा, हाइपोक्सीमिया का मतलब लैक ऑफ ओटू इन ब्लड, ब्लड के अंदर ओटू की क्या हो जानी, कमी हो जानी, वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज द हाइपोक्सीमिया। यहाँ आपका आंसर क्या जाएगा, एनोक्सिया आपका आंसर
जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन लो होना, बिल्कुल वेरी गुड सर, मेरा गलत हो गया है, गलत नहीं डियर प्रैक्टिस क्वेश्चन, आज गलत हुआ है कल राइट भी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग आंसर पुटअप करते हो, क्योंकि आंसर जब तक पुटअप नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन हैंडल करने का तरीका पता नहीं चलेगा, तो आंसर करते जाएं। तो यहाँ आंसर आपका क्या जाएगा, एनोक्सी में। मेघा जी आपका नाम ले लिया है, बिल्कुल आपका नाम ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पैनक्रियाटाइटिस। भाई पैनक्रियाटाइटिस में इनमें से कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आपका मॉर्फिन, मेपेरिडिन, डाइक्लोफिनिक या फास्मोप्रोक्सियोन। फटाफट आंसर करें, पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट में आप कौन सी ड्रग नहीं दोगे, क्या चीज, पैनक्रियाटाइटिस में आप कौन सी ड्रग नहीं दोगे, फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें, मॉर्फिन, मेपेरिडिन, डाइक्लोफिनिक या फिर आपका दैट इज द स्पास्मोप्रोक्सियोन, फटाफट आंसर करें। बनवारी लाल जी का ऑप्शन आ रहा है सी, नेहा जी का ऑप्शन, मनीषा जी का ए, कावेरी जी का ऑप्शन, संदीप जी, अरुण जी, पीयूष जी, बिल्कुल फटाफट आंसर करते जाएं, पूजा जी, नीतू जी का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल वर्षा जी का ऑप्शन आ रहा है, मॉर्फिन नहीं देते हैं डियर। अगर डीओसी अगर आप बात कर लो तो आप क्या दोगे वहां पे, पैनक्रियाटाइटिस में पेन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या दोगे, मेपेरिडिन दोगे, क्या चीज, मेपेरिडिन दोगे। भाई मॉर्फिन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, स्पाज्म ऑफ बिलियरी डक्ट, कि जो बिलियरी जो डक्ट है उन बिलियरी डक्ट के अंदर क्या करता है आपका, स्पाज्म करता है, तो पेशेंट की कंडीशन वर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए वहां पे पेशेंट को मॉर्फिन नहीं देते हैं, मेपेरिडिन देते हैं, क्योंकि मेपेरिडिन आपका क्या करता है, मेपेरिडिन आपका जो बिलियरी डक्ट है उन बिलियरी डक्ट के अंदर आपका स्पाज्म की कंडीशन लीड नहीं करता। तो आंसर आपका क्या जाएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो है वो आपका कौन है, मॉर्फिन आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्या है, मॉर्फिन आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बहुत सोच समझ के आंसर करें, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो कि आपका सिलेक्शन बनवाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले जो मेरे साथी नॉर्सेट 2021, भाई एक टारगेट अगर अपन बात करें, नॉर्सेट 2021 को टारगेट करते हुए टेस्ट पेपर लाइव की एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स, और ये क्रैश कोर्स के अंदर आपको MCQs विद थ्योरी आपका अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपका अवेलेबल होगा डिस्काउंट प्राइस के ऊपर 1899 के अंदर डेली आपको 3-4 hours डेली क्लासेस मिलेगी जो कि लाइव रहेगी। MCQs मिलेंगे, 10,000 MCQs आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। उसके अलावा पैनल ईबुक्स और PDF नोट्स आपको अवेलेबल होगा। उसके अलावा रेगुलर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपका होगा। उसके अलावा इमेज बेस, वीडियो बेस और एनक्लेक्स बेस क्वेश्चन नॉर्सेट 2020 के लिए आपको यहां पे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आज ही टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन पे जाएं, 1899 का कोर्स परचेस करें। ये 1899 का कोर्स आपको आपकी मंजिल के पास में जरूर लेके जाएगा। क्या चीज, यहां पे आपको डेली MCQs विद थ्योरी देखने को मिलेगा। क्या, MCQs विद थ्योरी देखने को मिलेगा। भाई जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे आएगा। तो आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, मेहनत करते जाए। क्या चीज, मेहनत करते जाए। एक चीज बोलना चाहूंगा डियर, एक चीज हमेशा आपके लिए, हमेशा पॉजिटिव वेव के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जाने कितनी उड़ान अभी बाकी है, जाने कितनी उड़ान अभी बाकी है, इस परिंदे में जान अभी बाकी है। तो आप अपने लाइफ के लिए जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत को बहुत आगे लेके जाना। एक चीज ध्यान रखना कि जाने कितनी उड़ान अभी बाकी है, जाने कितनी उड़ान अभी बाकी है, अभी इस बंदे में जान बाकी है। तो आप लोगों के लिए हमेशा एक से बढ़ के एक कंटेंट डिलीवर्ड हो रहा है। पढ़ते रहे हमेशा आगे की तरफ, अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर। बिकॉज आप लोगों के लिए हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, आपको आपके पेरेंट्स का ड्रीम हमेशा पूरा करो। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो उनके लिए आपको बहुत कुछ करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट विद ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस। एक पेशेंट है जिसको इसोफेजियल ब्लीडिंग अगर हो रही है, मतलब इसोफेजियल वेरिसेस क्या है, इसोफेजियल वेरिसेस का पेशेंट है, इसोफेजियल वेरिसेस है, और इसोफेजियल वेरिसेस है मतलब क्या होगा, ब्लीडिंग उस पेशेंट को
होगी। ट्रीटेड विद संगस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब, उस पेशेंट को मैंने संगस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब अगर लगाया है तो विच टाइप ऑफ ट्यूब, दिस टाइप ऑफ ट्यूब द नर्स शुड बी मोस्ट अलर्ट, कि अगर मैंने उस पेशेंट को संगस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब अगर लगाया है तो नर्स उसके लिए कौन सा मोस्ट अल्टर्ट आपका रहेगी, कि क्या कंडीशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा अगर मैंने पेशेंट को ब्लैक मोरे ट्यूब, संगस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब अगर लगाया है तो। ऑप्शन ए लॉस ऑफ बलून प्रेशर, बलून प्रेशर आपका कम हो सकता है। इरिटेशन ऑफ नेरिस, नेरिस के अंदर इरिटेशन हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर एटेलेटेसिस हो सकता है। फटाफट आंसर करें, इसोफेजियल वेरिसिस का पेशेंट है जिसको संगस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब लगाया है, आंसर बिल्कुल कपिल जी, मनीषा जी, ठाकुर जी, मनोज जी, श्वेता जी, सोनी जी, अंकिता जी का ऑप्शन आ रहा है आपका बिल्कुल, सभी मेरे राकेश जी, अनीता जी का, कुंजन जी, स्नेहा जी, नेहा जी, बिल्कुल अंकिता जी, निर्मला जी, बिल्कुल विक्रम जी का ऑप्शन आ रहा है, जितेंद्र जी का ऑप्शन आ रहा है, विजय जी का ऑप्शन आ रहा है, किशन कुमार जी का ऑप्शन आ रहा है, राजकुमार जी का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन जो आ रहा है वो क्या है, सी ऑप्शन आपका, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। भाई एक चीज ध्यान रखना कि जो संगस्टन ब्लैक मोरे जो ट्यूब होती है आपके सामने मैं पुटअप कर देता हूँ डियर गाइज, मेरे साथ ही आपके सामने इमेज मैंने पुटअप कर दिया है कि जो संगस्टन ब्लैक मोरे जो ट्यूब होता है वो इसोफेजियल वेरिसिस के पेशेंट के अंदर अपन यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, थ्री ल्यूमन होते हैं, क्या होते हैं, थ्री ल्यूमन ये आपका अवेलेबल रहता है, क्या होता है, थ्री ल्यूमन होते हैं, क्या होते हैं, थ्री ल्यूमन होते हैं, जिस थ्री ल्यूमन के अंदर अपन एक तो गैस्ट्रिक को अपन क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक आपका एस्पायरेशन है उसको यूज करने के लिए करते हैं, इसोफेजियल बलून से अपन क्या करते हैं कि जो आपका इसोफेगस जो है उसको डायलेट करने के लिए अपन वहां पे ये बलून क्या कर देगा, आपका डायलेट होगा, ये आपका बलून को इन्फ्लेट करेगा, क्या करेगा, बलून को इन्फ्लेट करेगा। अगर गैस्ट्रिक बलून की बात करूं तो गैस्ट्रिक बलून क्या करेगा, यह आपका गैस्ट्रिक जो है स्टमक के अंदर जाके क्या करेगा, उसके अंदर यहाँ गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट करेगा। तीन पोर्ट आपके यहाँ पे रहते हैं, इन तीन पोर्ट के अंदर भाई तीन पोर्ट है, एक दो तीन पोर्ट है, भाई तीन पोर्ट के अंदर क्या हुआ, एक पोर्ट तो मैंने यूज कर लिया जिससे मैंने इसोफेजियल बलून को क्या कर दिया, आपका इन्फ्लेट कर दिया, एक बलून से मैंने क्या किया, गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट कर दिया, ये गैस्ट्रिक बलून और ये जो है ये आपका क्या है, इसोफेजियल बलून है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, आपका इन्फ्लेट कर दिया। तीसरा अगर अपन बात करें तो जो है आपका वो है गैस्ट्रिक एस्पायरेशन पोर्ट, क्या है ये, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन पोर्ट, और ये गैस्ट्रिक एस्पायरेशन पोर्ट क्या करेगा, गैस्ट्रिक से जो कंटेंट है, जो ब्लीडिंग है उसको बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा। अब अगर मैंने किसी पेशेंट को गैस्ट इसोफेजियल बलून, और इस इसोफेजियल बलून को मैंने जैसे ही इन्फ्लेट किया तो इसोफेजियल बलून इन्फ्लेट होने से क्या होगा, उन पेशेंट्स के अंदर ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करेगा प्रेशर की वजह, भाई आपका बलून जैसे ही आपका इन्फ्लेट होगा तो बलून इन्फ्लेट होने से क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका ऑब्स्ट्रक हो सकता है, और जैसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका ऑब्स्ट्रक होगा तो उस पेशेंट को सांस लेने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब आप संगस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब अगर यूज करते हो या कैथेटर अगर यूज करते हो तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण है, और ये थ्री ल्यूमन पोर्ट आपका रहता है जिसमें इसोफेजियल बलून रहता है, गैस्ट्रिक बलून रहता है, और एक आपका गैस्ट्रिक एस्पायरेशन रहता है, गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालता है। तो दो बलून तो आपका किसके लिए आते हैं, इन्फ्लेट के लिए आते हैं, और एक बलून से आप क्या करोगे, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उस गैस्ट्रिक कंटेंट को आप क्या करोगे, बाहर निकालोगे। तो यहां आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ये जाएगा कि जब मैंने इसोफेजियल बलून को ड्यू टू कंप्रेशन के कारण क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है आपका इसोफेजियल बलून, जैसे इसोफेजियल बलून इन्फ्लेट होगा तो उस पेशेंट के अंदर आपको क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हेवर्सियन कैनाल सिचुएटेड इनटू, भाई हेवर्सियन कैनाल किसके अंदर सिचुएटेड रहती है, फटाफट आंसर करें, बोन, ब्रेन, लंग्स या किडनी,
हेवर्सियन कैनाल किसके अंदर रहती है? हेवर्सियन कैनाल किसके अंदर रहती है? बोन, ब्रेन, लंग्स या फिर आपका किडनी के अंदर? फटाफट आंसर करें गाइस, बिल्कुल मेरे साथ ही आंसर करते जाएं। इसोफेजियल बलून पर बताएं सर जी। भाई इसोफेजियल बलून अगर मैं बात करूं, वो क्या करेगा आपका? इन्फ्लेट करने का काम करेगा। क्या चीज? इन्फ्लेट करने का काम करेगा इसोफेजियल बलून। फटाफट आंसर करें। बिल्कुल ए, ए पूजा जी का ऑप्शन आ रहा है, ए ए ए। तो एक चीज ध्यान रखना, जो हेवेरियन कैनाल जो होती है, वो हेवेरियन कैनाल कहां प्रेजेंट रहती है? आपका बोन के अंदर प्रेजेंट रहती है। कहां? बोन के अंदर आपका हेवेरियन कैनाल जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है। अब आपके सामने मैंने डायग्राम पुट अप कर दिया है कि ये आपका, कि जब बोन की स्ट्रक्चर अगर अपन बात करें तो बोन के अंदर आपका क्या रहती है, बोन की जब इंटरनल स्ट्रक्चर अगर अपन बात करें, ये हेवेरियन कैनाल, ये जो कैनाल है, ये कैनाल आपका क्या रहती है? हेवेरियन कैनाल रहती है। और इस हेवेरियन कैनाल के पास में आपका वॉल्कमैन कैनाल रहता है प्रेजेंट। क्या चीज? हेवेरियन कैनाल रहती है। और हेवेरियन कैनाल की अगर मैं बात करूं, मिनट कैनाल फाउंड होती है किसके अंदर? मिनट कैनाल, माइन्यूट कैनाल प्रेजेंट इन कॉम्पैक्ट बोन। भाई कॉम्पैक्ट जो बोन होती है, उन कॉम्पैक्ट बोन के अंदर क्या रहती है? माइन्यूट कैनाल आपका प्रेजेंट रहती है। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर आपका क्या प्रेजेंट रहता है? भाई कॉम्पैक्ट बोन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ब्लड, लिम्फ वेसल्स और नर्व कंटेन रहती है। क्या चीज कंटेन? अगर मैं बात करूं तो ब्लड, ब्लड वेसल्स, लिम्फ और आपका क्या रहती है? नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, वो आपका क्या है? कॉम्पैक्ट बोन है। और इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर आपका क्या रहेगा? माइन्यूट कैनाल आपका प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है? माइन्यूट कैनाल आपका प्रेजेंट रहती है, जिसको अपन हेवेरियन कैनाल या फिर वॉल्कमैन कैनाल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, हेवेरियन कैनाल कहाँ रहती है? बोन के अंदर आपकी रहती है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? अल्लाह इज लॉन्गर देन रेडियस, रेडियस इज लॉन्गर देन अल्लाह, बोथ रेडियस एंड अल्लाह आर इक्वल इन लेंथ, या रेडियस इज द बोन ऑफ अपर आर्म? फटाफट आंसर करें, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? व्हाट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू? फटाफट आंसर करें, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें, क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा? फटाफट आंसर करते जाए मेरे दोस्त साथी जो भी हैं। बिल्कुल आकांक्षा जी, हंसराज जी का ऑप्शन आ रहा है, शिवानी जी का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल मनोज जी का ऑप्शन आ रहा है, कपिल जी, राह जी। भाई एक चीज ध्यान रखना, अल्लाह हमेशा क्या रहता है? आपका रेडियस से बड़ा रहता है। तो एक चीज ध्यान रखना, अल्लाह हमेशा लॉन्गर रहेगा। और रेडियस, एक चीज ध्यान रखना, रेडियस बोन आपका अपर आर्म में नहीं होती है, या आपका फोर आर्म में रहती है। और फोर आर्म का मतलब रिस्ट और आपके एल्बो के बीच के पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? फोर आर्म बोलते हैं। तो रेडियस कहाँ होगी? आपका फोर आर्म में रहेगी। दोनों की लेंथ सेम नहीं रहती है, बिकॉज अल्लाह क्या रहता है? रेडियस के मुकाबले आपका क्या रहेगा? थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका? ए ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेड इज डिस्कलरेशन ऑफ एन एरिया ओवर द स्किन इन न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न के अंदर अगर रेडिस डिसकलरेशन अगर आपको देखने को मिले स्किन के ऊपर, तो उसको आप क्या बोलते हो? एनुगो बोलोगे, मिलिया बोलोगे, नेवस फ्लेमस बोलोगे, या वर्निक्स बोलोगे? फटाफट आंसर करें। क्या चीज? एनुगो बोलोगे, मिलिया बोलोगे, आपका नेवस फ्लेमस बोलोगे, या फिर वर्निक्स बोलोगे? रेडिस डिस्कलरेशन ऑफ द एरिया, रेडिस डिस्कलरेशन ऑफ द एरिया अबव द, या ओवर द स्किन इन न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न की स्किन के ऊपर क्या रहेगा? फटाफट आंसर करें, लेनुगो, मिलिया, नेवस फ्लेवस या वर्निक्स? बिल्कुल विकास जी का ऑप्शन आ रहा है, ए रीता जी का ऑप्शन आ रहा है, पुष्पेंद्र जी का ऑप्शन आ रहा है, शर्मा जी, बिल्कुल निधि जी, कपिल जी, सभी का ऑप्शन आ रहा है बी। फटाफट आंसर करें, सोच समझ के आंसर करें। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर रेडिश डिस्कलरेशन अगर आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या होता है आपका? नेविस फ्लेवस होता है, या फिर पोर्ट वाइन, पोर्ट वाइन, क्या चीज? पोर्ट वाइन साइन आपको देखने को मिलता है। क्या चीज? पोर्ट वाइन साइन आपको देखने को मिलता है। और पोर्ट वाइन साइन के अंदर क्या होगा? पर्टिकुलर एरिया स्किन के ऊपर अगर कैपिलरीज अगर आपका एक्यूमुलेट अगर होती है, तो उन पेशेंट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? पोर्ट वाइन साइन देखने को मिलेगा, या फिर उसको अपन क्या बोलते हैं? भाई ये जो आपको अभी देख रहा है पेशेंट का, जो ये एरिया है, ये पूरा क्या हो जाता है? एक रेडिश कलर में आपको देखने को मिलता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? या तो नेवस फ्लेवस के नाम से जानते हैं, या फिर अपन उसको
पोर्ट वाइन साइन के नाम से जानते हैं, किस नाम से? पोर्ट वाइन साइन के नाम से जानते हैं, किस नाम से? पोर्ट वाइन साइन के नाम से जानते हैं। ये पेशेंट्स के अंदर या बच्चों के अंदर कॉमनली आपका बर्थ मार्क रहता है, क्या रहता है? दैट इज द बर्थ मार्क है, ये आपका क्या है? बर्थ मार्क है। और बर्थ मार्क के ऊपर आपको ये देखने को मिलता है, अगर एक्सेस आपका एक्यूमुलेशन अगर वहाँ पे हो रहा है ब्लड वेसल का, या ब्लड कैपिलरीज अगर आपका ऑब्स्ट्रक होने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर आपका एक रेडिश कलर का स्पॉट बन जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? पोर्ट वाइन या फिर फर्स्ट फ्लेवर्स बोलते हो। भाई मिलिया के अंदर क्या रहता है? आप सब लोगों ने देखा होगा मिलिया, मिलिया के अंदर क्या रहता है? व्हाइट स्पॉट होता है। क्या चीज? व्हाइट स्पॉट होता है ओवर नोज। नोज के पास में आपको क्या, आपके छोटे छोटे से व्हाइट आपको स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलिया बोलते हैं। अभी आपके सामने मैं एक डायग्राम पुट अप कर देता हूं डियर। ये है आपका मिलिया। क्या है? मिलिया। भाई यहां ये देखना, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, मतलब कि आपके नियर बाई नोज, अगर मैं बात करूं नियर बाई नोज क्या रहता है, आपके छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, उसको आप क्या बोलोगे? मिलिया बोलोगे। व्हाइटिश स्पॉट्स जब आपको देखने को मिले, इसका मतलब वो क्या है? आपका मिलिया है। यही अगर आप लेनुगो की बात करो, तो लेनुगो के अंदर क्या रहता है? जो प्री मैच्योर बेबीज जो रहते हैं, उन बच्चों के ऊपर क्या रहता है? हेयर फॉलिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, वो आपका क्या होगा? लेनुगो कहलाएगा। और एक बिल्कुल आपका थिन पतली झिल्ली की तरफ बच्चों के ऊपर जो स्किन के ऊपर लेयर पाई जाती है एट द बर्थ, आप देखोगे आप क्या बोलोगे? दैट इज द वर्निक्स केश्योसा। क्या बोलते हो? वर्निक्स केश्योसा, जो बच्चे की स्किन से ऊपर धीरे धीरे से आपका क्या रहता है? उतरता है। अडल्ट के अंदर ये देखने को मिलता है मिलिया। भाई आपने देखा होगा, आप भी देख लेना, आपके नोज के पास में छोटे छोटे से व्हाइट स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, और उसको आप क्या बोलोगे? मिलिया के नाम से जाओगे। आप क्या बोलोगे? मिलिया बोलोगे। ध्यान रहे ना, मिलिया क्या होता है, पोर्ट वाइन क्या होता है, लेनुगो क्या होता है, वर्निक्स क्या होता है। भाई लेनुगो के अंदर आपको क्या होगा? हेयर। क्या चीज? हेयर। आपको हेयर फॉलिकल देखने को मिलेंगे, स्पेशली प्री मैच्योर बेबीज के अंदर। तीसरी अगर अपन बात करें वर्निक्स के अंदर, क्या चीज? वर्निक्स केश्योसा, बच्चे के ऊपर एक पतली झिल्ली कवर आपको देखने को मिलती है, और वो धीरे धीरे आपका क्या होती है? वो क्या है आपका? वर्निक्स। यहाँ आपका आंसर क्या जाएगा? या तो नेवस फ्लेमस जाएगा, या फिर पोर्ट वाइन साइन के नाम से अपन उसको जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म। भाई इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट अपन किस पे निकालते हैं? रेट पर 100 लाइव बर्थ पे, रेट पर 1000 लाइव बर्थ पे, रेट पर 1000 टोटल बर्थ पे निकालते हैं, या फिर रेट पर 100 टोटल बर्थ पे अपन निकालते हैं? फटाफट आंसर करें, क्या आंसर आएगा आपका? इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, IMR। अब आपसे पूछा गया है IMR के बारे में। भाई IMR आप किस पे निकालोगे? सारे सब्जेक्ट्स को अपन मिला के यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ डियर, तो बहुत सोच समझ के आंसर करें। क्या चीज? बहुत सोच समझ के आंसर करें। आपके लिए हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन बहुत जरूरी, बिल्कुल सभी का आंसर जो आ रहा है। इनू जी, पूजा जी, ये क्लास को लाइक और शेयर करते जाएं मेरे साथी, मेरे दोस्त, क्लास को लाइक और शेयर करते। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो एक ध्यान रखना, जो IMR आपका निकलता है वो आपका रेट पर 1000 लाइव बर्थ पे निकलता है। किस पे? इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट आपका हमेशा रेट पर 1000 लाइव बर्थ पे निकलती है। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, कि इन्फेंट जो मॉर्टिलिटी आपका, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है वो 1000 लाइव बर्थ के ऊपर अपन निकालते हैं। यानी 1000 मतलब एक साल से कम के जो बच्चे हैं, या एक साल के अंदर अगर उनकी डेथ अगर होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बोलते हैं, और 1000 लाइव बर्थ के ऊपर अपन इसको निकालते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका? बी ऑप्शन राइट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्विक्स डेवलप फ्रॉम, भाई सर्विक्स कहाँ से डेवलप होता है? फुल फैन डक से होता है, मुलियनरी डक से होता है, मिजोनेफ्रॉन से, या मेटानेफ्रॉन से? फटाफट आंसर करें। यूपी की कितनी, बिल्कुल यूपी का भी बहुत जल्दी आने वाला है आपका, बिल्कुल फटाफट आंसर करें। सर्विक्स कहाँ से डेवलप होता है? सर्विक्स कहाँ से डेवलप होता है? वुल्फ एंड डक्ट से, मुलियरिन डक्ट से, मिजोनेफ्रॉन से, या मेटानेफ्रॉन से? फटाफट आंसर करते जाए मेरे से। बिल्कुल अजीत जी, यादव जी का ऑप्शन आ रहा है बी। सर मेरा, सर माई आंसर, रिचा जी का आंसर, बिल्कुल रिचा जी का ऑप्शन आ रहा है, नीतू जी का आ रहा है, बिल्कुल पूजा जी का आ रहा है, प्रदीप जी का आ रहा है, सचिन जी का आ रहा है, अभिषेक जी का आ रहा है, बिल्कुल चंद्र जी का आ रहा है, किशन जी का आ रहा है, विजय जी का भी आ रहा है, प्रकाश जी का भी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आपका जो ऑप्शन है
कि सर मुलियनरी डक्ट से क्या चीज जो जो मुलियनरी क्या चीज जो आपकी मुलियनरी जो डक्ट है क्या चीज बाइलेटरल डक्ट है, बाइलेटरल डक्ट है। और बाइलेटरल डक्ट अगर अपन बात करें क्या चीज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की जो बाइलेटरल डक्ट है वहां से क्या चीज आपका सर्विक्स, सर्विक्स फेलोपियन ट्यूब ये सब का क्या होता है आपका डेवलपमेंट होता है। यही वुल्फ एंड डक्ट की अगर अपन बात करें तो वुल्फ एंड डक्ट के अंदर आपको वुल्फ एंड डक्ट के अंदर के जो एम्ब्रियो की जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियो से डक्ट निकलती है और उस एम्ब्रियोन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है भाई वुल्फ एरियन के अंदर आपको कॉमनली अगर अपन बात करें कि जो पेशेंट आपका वुल्फ एरियन वगैरह से जो रहता है उनके अंदर क्या चीज डक्टस वगैरह आपका डक्टस आपका रहता है वो आपको वहां पे वुलियनरी डक्ट से देखने को मिलता है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा वुलियनरी डक्ट से क्या रहता है आपके सर्विक्स फेलोपियन ट्यूब वगैरह का क्या रहता है डेवलपमेंट रहता है। आंसर हाँ वुल्फेन से आपका जो डक्टस या इजाकुलेटरी जो डक्ट होती है वो आपकी निकलती है। क्या चीज इजाकुलेटरी जो डक्ट होती है वो कहाँ से डेवलप होती है वो ये मुलियनरी डक्ट से आपका डेवलप होती है। मेल के अंदर ये जो डेवलपमेंट आपका होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जो आपके डक्ट्स जो रहती है तो एक तो आपका सर्विक्स फेलोपियन ट्यूब वगैरह का फॉर्मेशन करवाएगी डेवलप करवाएगी और एडल्ट की अगर बच्चों अपन मेन की बात करें तो मेन के अंदर क्या इजाकुलेटरी डक्ट्स वगैरह डक्टस इजाकुलेटरी जो डक्ट्स है उनका क्या करती है ये फॉर्मेशन या डेवलप करती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, क्या अगर आपके सामने पूछा जाए साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया भाई प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब कि प्लेसेंटा अगर आपका लोअर यूटेराइन सेगमेंट में अगर आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, क्या बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सिचुएटेड इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट, के लोअर यूटेराइन सेगमेंट में अगर आपका प्लेसेंटा अगर रहती है तो वो आपका प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। उसके अंदर शार्प एब्डोमिनल पेन होगा, अर्ली रप्चर मेंबर होगा, इंक्रीज लो बैक पेन होगा या पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। फटाफट आंसर करें क्या ऑप्शन होगा, आंसर क्या होगा फटाफट करते जाए, फटाफट आंसर करते जाए। भाई एक चीज ध्यान रखना कि प्लेसेंटा प्रीविया की अगर अपन बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। क्या चीज पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। प्लेसेंटा के चार टाइप होते हैं जिसमें एक तो होगा कंप्लीट पार्शियल मार्जिनल और एक आपका होगा लो लाइनिंग। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो लो लाइनिंग, लो लाइनिंग और जो मार्जिनल जो होते हैं, लो लाइनिंग और मार्जिनल जो होते हैं वो इंटरनल ओस, इंटरनल ओस पे आपका प्लेसेंटा नहीं आता है। पार्शियल के अंदर क्या रहता है कि ये मार्जिन पे तो आ चुका है बट इंटरनल ओस को, इंटरनल ओस को कवर नहीं कर सकता है। और कंप्लीट के अंदर क्या होगा इंटरनल ओस, तो इंटरनल ओस है वो पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो इन दोनों के अंदर आपका क्या है डिलीवरी पॉसिबल है। तो लो लाइनिंग या मार्जिनल के अंदर इंटरनल ओस पे नहीं आता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में रहता है। दूसरी चीज एक बात याद रखना कि पार्शियल के अंदर क्या रहेगा कि ये इंटरनल ओस पे तो आ जाता है बट जो इंटरनल ओस है उसको कवर नहीं कर पाता है। और चौथा आपका है कंप्लीट, और कंप्लीट के अंदर क्या रहता है कि ये आपका पूरा इंटरनल ओस को क्या कर देता है आपका कवर कर देता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन अगर आपका जो होता है प्लेसेंटा प्रीविया वो आपका सेकेंड और फोर्थ, क्या चीज मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा रहता है सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड आपका क्या रहता है मोस्ट कॉमन रहता है। दूसरी चीज ध्यान रखना कि जो मोस्ट डेंजरस जो होता है, मोस्ट डेंजरस जो होता है वो आपका सेकंड कौन सा रहता है टाइप सेकंड पोस्टीरियर रहता है। क्या चीज टाइप सेकंड पोस्टीरियर, पोस्टीरियर होता है। और टाइप सेकंड पोस्टीरियर पे क्या होगा कि ये जब आपका ये क्या कर सकता है कोड को कंप्रेस कर सकता है, और ये अगर कोड को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा फिटल डिस्ट्रेस में जाएगा, इसमें जाएगा फिटल डिस्ट्रेस में जाएगा। और फिटल जब भी डिस्ट्रेस में जाएगा तो उसको अपन एक साइन बोलते हैं स्टॉल वर्ती साइन बोलते हैं। क्या चीज स्टॉल वर्ती साइन अपन उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना स्टॉल वर्ती साइन आपको कहां देखने को मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखना डियर। प्लेसेंटा प्रीविया जो सेकंड आपका है
पोस्टीरियर जो है उसके अंदर आपको क्या मिलता है, स्टॉल वर्टिस साइन मिलता है। दो दो चीजें ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन पूछा जाता है और मोस्ट डेंजरस पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन आपका टाइप सेकंड और टाइप थर्ड, मोस्ट डेंजरस अगर पूछा जाए टाइप सेकंड आपका इंटीरियर। दूसरी चीज ध्यान रखना कि जो आपका माइल्ड जो होता है, क्या चीज माइल्ड जो होता है, उस माइल्ड के अंदर आपका क्या आता है, सेकंड इंटीरियर, सेकंड इंटीरियर एंड फोर्थ आपका क्या रहता है, माइल्ड रहता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो पर्सन आपका पोर्ड कंप्रेशन अगर हो रहा है टाइप सेकंड एंटीरियर में, तो उसको आप क्या बोलोगे, फिटल डिस्ट्रेस में जाएगा, और फिटल अगर डिस्ट्रेस में जाएगा तो वो मोस्ट डेंजरस होगा। और फिटल जब डिस्ट्रेस में जाता है तो वहां एक साइन आपको देखने को मिलता है, और उस साइन को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉल वर्थी साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉल वर्थी साइन के नाम से अपन जानते हैं। ऑप्शन आपका क्या जाएगा, वहां पे पेनलेस ब्राइट वेजाइनल ब्रीडिंग फीमेल को देखने को मिलती है। तो आंसर डी आपका राइट जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइन ऑफ सर्कल इन फैमिली जीनोग्राम इंडिकेट, फैमिली जीनोग्राम के अंदर साइन ऑफ सर्कल क्या इंडिकेट करता है, मेल फीमेल चाइल्ड या ग्रैंड पेरेंट। फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें, साइन ऑफ सर्कल इन फैमिली जीनोग्राम, फटाफट आंसर करें। साइन ऑफ सर्कल पूछा गया है भाई, साइन ऑफ सर्कल पूछा गया है फैमिली जीनोग्राम के अंदर। तो जब आपने आपकी कॉलेज लाइफ में नर्सिंग केयर प्लान बनाया होगा, तो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर फैमिली ट्री बनाया होगा, उस फैमिली ट्री के अंदर आपने दो तीन साइन बनाए होंगे। फटाफट आंसर करें। बिल्कुल हरीश जी, अनिला जी, नेहा जी, नीतू जी का, श्वेता जी का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल जो ऑप्शन मेरे साथी भी दे रहे हैं उनका राइट आंसर है। आपके सामने मैं फैमिली जीनोम का डायग्राम भी पुट कर देता हूं डियर, कि ये है आपका फैमिली जीनोम। याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना डियर, जब नर्सिंग केयर प्लान बनाया होगा तो उसके अंदर फैमिली ट्री बनाया होगा, तो स्क्वायर जो होता है, ये स्क्वायर तो किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है, और जो सर्कल जो होता है वो किसके लिए रहता है, फीमेल के लिए रहता है। तो नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, फैमिली जीनोम के अंदर सर्कल क्या डिनोट करता है और आपका स्क्वायर क्या डिनोट करेगा। भाई स्क्वायर तो डिनोट कर दिया मेल, सर्कल ने क्या डिनोट कर दिया, फीमेल। ध्यान रहे, ऑप्शन आपका क्या जाएगा, फीमेल, बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल रेफरल बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल इज नॉन एज, कि मल्टीपल रेफरल अगर साइकेट्रिस्ट और अदर प्रोफेशनल के बीच में अगर होता है तो उसको आप क्या बोलोगे। ऑप्शन ए स्टेरिंग बोलोगे, पिंग पोंगिंग बोलोगे, गैंगिंग बोलोगे, या टाउटिंग बोलोगे। फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें। मल्टी रेफरल बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल, अदर प्रोफेशनल और साइकेट्रिस्ट के बीच में अगर आप मल्टी रेफरल अगर करते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, स्टेरिंग बोलोगे, पिंग पोंगिंग बोलोगे, गैंगिंग बोलोगे, या फिर टाउटिंग बोलोगे। फटाफट आंसर करें। बिल्कुल पूजा जी का ऑप्शन आ रहा है, अनिता जी का ऑप्शन आ रहा है, विकास जी, करण जी का ऑप्शन आ रहा है, वनिता जी का, प्रीति जी का, बिल्कुल जो सभी का ऑप्शन आ रहा है वो क्या है आपका, पिंग पोंगिंग, मतलब के रेफरल, क्या चीज, रेफर करना फर्स्ट फिजिशियन से, फर्स्ट फिजिशियन या फिर आपका साइकेट्रिस्ट से, पहले एक डॉक्टर को दिखाया, एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया, देन आफ्टर आपने क्या किया, सेकंड डॉक्टर को दिखा दिया, सेकंड साइकेट्रिस्ट को दिखा दिया, सेकंड साइकेट्रिक डॉक्टर को, फिजिशियन को दिखा दिया, फिर आपने क्या किया, तीसरे को दिखा दिया, और तीसरे ने एक न्यू प्रोफेशनल को बता दिया, वो आपका क्या कहलाता है, मल्टी रेफरल कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टी रेफरल। भाई आप डॉक्टर के पास गए, पहले दिन गए, एक डॉक्टर के पास गए, उसका ट्रीटमेंट लिया, आपको लगा नहीं यार ठीक है या नहीं है साइकेट्रिस्ट, आपने क्या किया, डॉक्टर चेंज करके दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर उससे तीसरे डॉक्टर के पास गए, फिर तीसरे से चौथे के पास गए। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, मल्टी रेफरल, और मल्टी रेफरल को अपनी मेडिकल टर्म के अंदर अपन क्या बोलेंगे, दैट इज द पिंग पोंगिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिंग पोंगिंग अपन बोलेंगे। तो याद रखना, पिंग पोंगिंग क्या कहलाता है आपका, दैट इज द आपका मल्टी रेफरल। भाई
स्टेरिंग या फिर आपका गैंगिंग या टाउटिंग का मतलब क्या रहता है, किसी को गैंग बन के जाना, डराना, धमकाना, वो क्या कहलाता है आपका, गैंगिंग और टाउटिंग कहलाता है। तो ध्यान रहे, पिंग पोंगिंग आपका क्या कहलाएगा, पिंग पोंगिंग हमेशा आपको मल्टी रेफरल की कंडीशन को लीड करता है। आंसर आपका क्या जाएगा, दैट इज द बी आंसर आपका जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज रिसीविंग ए क्लाइंट्स केयर प्लान ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस डज सच ए रिविजन टेक प्लेस। क्या अगर अगर अपन बात करें, एक नर्स आपका रिवाइजिंग कर रही है क्लाइंट्स केयर प्लान को ड्यूरिंग नर्सिंग प्रोसेस, तो वहां पे कौन सा प्रोसेस रिविजन के लिए, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन या फिर इवाल्युएशन, क्या चीज, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन या फिर आपका इवाल्युएशन। फटाफट आंसर करें, क्या आएगा, फटाफट आंसर करें, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे साथी, मेरे दोस्त, बिल्कुल क्लास को लाइक और शेयर करते जाएं, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन भी आपको देखने को। बिल्कुल एक चीज ध्यान रखना, इवाल्युएशन का मतलब क्या रहता है, दैट इज द सच रिविजन, क्या चीज, रिविजन। भाई आपने पेशेंट को केयर दी, पेशेंट को केयर देने के बाद में आपने क्या किया, उसका इवाल्युएशन किया, और इवाल्युएशन में आपने ये देखा जो आपने पेशेंट को केयर दी है उस केयर से पेशेंट को अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे, नया नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे, नई ट्रीटमेंट मॉडलिटीज बनाओगे, पेशेंट की कंडीशन को रिवर्ट करोगे। तो इवाल्युएशन के अंदर आप क्या करते हो, रिविजन करते हो। भाई आप एग्जाम देने से पहले क्या करते हो, जितना सिलेबस आपने पढ़ा है आज दिन तक, उसको एग्जाम के पहले क्या करते हो, रिवाइज करते हो, ताकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके एग्जाम में आ जाए, आप उसको क्या कर दोगे, राइट करके आ जाओगे। तो रिवीजन हमेशा क्या है आपका, इवाल्युएशन की प्रोसेस में आता है। नर्सिंग प्रोसेस की जो लास्ट आपका स्टेप या प्रोसेस जो आती है वो इवाल्युएशन आती है, जिसमें आप क्या करते हो, चेक करते हो जो मैंने केयर दी है वो सही हुई है या नहीं हुई है। तो आंसर क्या जाएगा, डी आंसर राइट जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए क्लाइंट विद ए हेड इंजरी बीइंग मॉनिटर्ड फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। हेड इंजरी का पेशेंट है जिसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP बढ़ा हुआ है, हिज ब्लड प्रेशर, के पेशेंट का जो BP है वो BP कितना है आपका 90/60 mmHg है, और पेशेंट का जो ICP है वो ICP कितना है 18 mmHg है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, CPP निकालना है, क्या निकालना है, CPP, सेरेब्रो आपका क्या निकालना है, सेरेब्रल परफ्यूजन आपको निकालना है, क्या निकालना है, सेरेब्रल परफ्यूजन आपको निकालना है। तो फटाफट आंसर करें, 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 क्या होगा, ABCD 52 mmHg, 88 mmHg, 48 mmHg या 68 mmHg, फटाफट आंसर करें। सेरेब्रल परफ्यूजन आपको निकालना है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर आपको निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखना, CVP निकालने के लिए आपको MABP माइनस आपको क्या करना है, ICP करना है। अब आपके पास में क्या निकालना है, MABP अगर आपको निकालना है तो MABP निकालने का फॉर्मूला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 × डायस्टोलिक प्रेशर, क्या चीज, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। अब आपके पास में है 90 प्लस 2 × आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और अपॉन 3 अगर करोगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 90 प्लस 120 अपॉन 33, तो क्या आएगा आपका 1210 आएगा, क्या आएगा, 210, और 210 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 70 mmHg। ये 70 mmHg आपका क्या है, MABP है। अब आपके पास में क्वेश्चन क्या था, CPP निकालना है, CPP निकालने के लिए MABP माइनस ICP, MABP मेरा है 70 और उसमें से कितना 15, क्या चीज, 18, कितना है 18, तो अगर आप 18 निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 52 mmHg आएगा, कितना आएगा, 52 mmHg आएगा। तो आंसर आपका क्या कहलाएगा, ए आंसर आपका राइट जाएगा, क्या, ए आंसर आपका राइट जाएगा। तो ध्यान रहे, CPP निकालते कैसे हैं,
सीपीपी निकालने के लिए आपको मीन जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है उस मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आईसीपी है उस आईसीपी को माइनस करना पड़ेगा। एमएबीपी निकालने के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 into डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3, वहां से आपका क्या निकल जाएगा, एमएबीपी निकलेगा। और एमएबीपी जो निकला है उसमें से आप आईसीपी माइनस कर दोगे, जब आईसीपी माइनस करोगे तो आपके पास में जो सेरेब्रल परफ्यूजन है वो सेरेब्रल परफ्यूजन आपका निकल के आ जाएगा, वो कितना है आपका 52 mmHg। सर ये समझ नहीं, बिल्कुल आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, एमएबीपी मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में से आईसीपी निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या आएगा सेरेब्रल परफ्यूजन आपका आएगा। इसलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले कंप्लीट कोर्स, भाई जितने भी मेरे साथी जो हैं, जो आपके कंप्लीट जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट कोर्स कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको 90+ hours की ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, 50 मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें 5000 MCQs है, पैनल ई बुक्स, PDF नोट्स है, प्री करंट अफेयर्स PDF है, और आज ही परचेज करें और 1 year की एक्सेस आपकी मिल सकती है। तो कंप्लीट नर्सिंग कोर्स ESSB, CRPF, BSF, ESIC, NORSET, UPPSC, DSS, DHS, RRB, BFUHS या जितने भी मेरे नर्सिंग के एग्जाम्स हैं मेरे साथियों के, उन सब के लिए कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। और UPPSC, और एक चीज ध्यान रखना मेरे साथी सभी लोग ध्यान रखना कि आज आपका UPPSC जो कि कल लॉन्च हो गया था, क्लासेस वहां पे आपको टेस्ट मॉडल पे आपको फ्री अवेलेबल है, वहां पे जहां वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, जो प्राइस है वो है आपका 500, और ये ऑफर आपको राखी तक मिलेगा। क्या चीज, ये ऑफर आपको राखी तक मिलेगा, क्या चीज, ये ऑफर राखी तक मिलेगा, 23 अगस्त तक ये आपको मिलेगा। तो बने रहे और अपनी UPPSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही साथी, सभी दोस्तों के लिए पढ़ते रहे हमेशा की तरह। एक चीज बोलूंगा कि ना रुके हैं पांव कभी, ना ही कभी हिम्मत हारी है। मैंने देखे इस दौर में, इस जिंदगी में कई दौर सफर आज भी जाए, तो मेहनत करते रहे, अपनी जो मेहनत है उस मेहनत को हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो कि ना रुके हैं पांव कभी, ना ही कभी हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं जिंदगी में कई दौर मगर सफर आज भी जारी। मेहनत करते जाए, मेहनत का सफल एक दिन, मेहनत जो आपने की है उसका जो रिजल्ट है वो आपको एक दिन जरूर। तो आज के लिए इतना ही मेरे साथी, मिलते हैं अपन, और तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच सभी के लिए। स्वस्थ रहे और अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, अपने पेरेंट्स का आपको हमेशा क्या करना है, नाम रोशन कर। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास।